जिला बदर होने के बाद भी गैर कानूनी तरीके से घर पर रह रहे पूर्वाट पार्षद सह भाजपा नेता शिवम श्रीवास्तव को नगर पुलिस ने शनिवार की सुबह गिरफ्तार कर लिया। नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने गुप्त सूचना के आधार पर अहले सुबह दल बल के साथ शिवम के बक्सीडी रोड स्थित उसके घर पहुंचे। इस दौरान पुलिस को देखते ही शिवम भागने का प्रयास करते हुए घर के छत से बगल के दूसरे के घर के छत पर कूद गया, जिसके कारण उसका पैर टूट गया और पुलिस जवान उसे दबोचने में सफल रही। पुलिस ने जिला बदर आरोपी को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया। पुलिस इसका इलाज कराने के लिए धनबाद के पीएमसीएच लेकर गई। बताया जाता है कि शिवम आजाद के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने के कारण उसे 6 माह के लिए जिला बदर किया गया था, लेकिन वह बीच बीच में गिरिडीह आना जाना कर रहा था। हालांकि इस बार वह पुलिस को चकमा नहीं दे पाया और पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत नगर थाना प्रभारी आर.एन. चौधरी ने बताया कि शिवम आजाद को तड़ीपार किया गया है। इसके बावजूद वह पिछले 3 दिन से नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 बक्सीडी रोड स्थित अपने घर में रह रहा था। कहा कि जानकारी मिलने के बाद उसे घर से गिरफ्तार कर लिया गया है।